ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं फॉर द जेमिनी साइन, जिसमें हम देखेंगे कि ये हफ्ता आप सब लोगों के लिए कैसा रहेगा। ये जनरल रीडिंग है, और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और बाकी के जो डिटेल्स हैं अपॉइंटमेंट के लिए वो ऊपर स्क्रीन पर आ रही हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। डेली टैरो रीडिंग के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, उसका जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, चेकआउट कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जेमिनी। पहले करंट सिचुएशन देखते हैं, आपके और आपके पार्टनर के बीच में क्या चल रही है, और फिर हम आगे बात करेंगे। ओ हर्मिट कार्ड, तो इसका मतलब ये है कि नो टॉकिंग, ठीक है, और चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है। ओके, सो अभी एरीज में भी कुछ ऐसी यू नो लाइक सिचुएशन आई थी, एंड सेम इज विद यू, बट यस। सो हर्मिट कार्ड, इसका मतलब कि कोई बहुत सोच रहा है, कोई बहुत ज़्यादा यू नो मायूस है, या टाइम ले रहा है, फीलिंग अलोन और हेल्पलेस, और थिंकिंग अबाउट द सिचुएशन, किसी के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। अब देखते हैं आपकी क्या एनर्जी है। आई थिंक इट्स अबाउट कि डिस्टेंट कोल्ड, ठीक है, आप भी टाइम ले रहे हैं, आप भी सोच रहे हैं, एंड यू आर वर्किंग ऑन योर सेल्फ। एम्परर एनर्जी है ऑल दो, ठीक है, कि आप किसी के बहकावे में या किसी की बातों में नहीं आना चाहते। यू आर द एम्परर ऑफ योर ओन लाइफ, और मे बी हो सकता है इट्स अबाउट स्टेपिंग अप, या आप चाहते हैं कि कोई स्टेप फॉरवर्ड करे। फायरी एनर्जी बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है, ठीक है, बट अभी फिलहाल किसी को आप बता नहीं रहे हैं कि आप एक्चुअली में अंदर से क्या फील कर रहे हैं, ठीक है। एंड यू आर हीलिंग योर सेल्फ, बेसिकली येस यू आर हीलिंग योर सेल्फ। ऑन द अदर हैंड आपके जो पार्टनर है, ऑफकोर्स थर्ड पार्टी सिचुएशन है, थ्री ऑफ सोल्स, सीम्स लाइक अ सोलमेट एनर्जी, बट ये पर्सन जो है आपको शायद हो सकता है कि चीट कर रहे हैं, या हो सकता है ऑलरेडी थर्ड पार्टी में है, रेजिस्ट कर रहे हैं, दूर दूर दूरी बना के रखी हुई है, अवॉइड कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें आपके पार्टनर की से दिखाई दे रही हैं। इंटेंशंस क्या है इस पर्सन की? इंटेंशंस ये है कि आप चाहते हैं बैलेंस बना के रखना, बट बैलेंस हो नहीं पा रहा है, यू नो, बिकॉज मैरिड हो सकते हैं, जो भी व्हाट एवर द सिचुएशन इज, बट दे मिस यू, व्हाट दे वांट। आई थिंक इट्स अबाउट कि एक रिस्क लग रहा है उनको आगे बढ़ना, इनका नेक्स्ट मूव। आई थिंक इट्स अबाउट पार्टनरशिप, मुझे ऐसा लगता है कि फिलहाल मून मून इज़ ऑल अबाउट शेडी, यू नो, कि ये पर्सन एक स्टेप आगे बढ़ाते हैं और फिर पीछे, टेक्स्ट यू नो सोचते हो कि करो फिर पीछे हो जाते हैं, दैट काइंड ऑफ अ थिंग। या हो सकता है अपने में बिजी है, दे आर लाइक बिजी समवेयर, और हो सकता है शादीशुदा है, हो सकता है कुछ इशूज चल रहे हैं। फाइव ऑफ वॉन्ट्स एनर्जी है, दैट मीन्स स्ट्रगल, कुछ स्ट्रगल चल रही है, और वो चीज़ शायद हो सकता है आपको बता नहीं रहे हैं। फैमिली में भी कुछ चल रहा है उनकी, यू नो, और ऑन ऑफ कुछ चल रहा है, वो भी नहीं आपको बता रहे। सो आउटकम क्या है इस रिलेशनशिप का? इट्स लाइक कैरिंग बर्डन, ओके, और मुझे ऐसे लग रहा है आउटकम फॉर नाउ इज लाइक टेन ऑफ वॉन्स, ठीक है, एक बर्डन है जिसको लेके कोई चल रहा है, ठीक है, और फोर ऑफ सोर्ड्स, इसका मतलब स्लीप मोड। सो ठीक है, फ्यूचर में आपकी बात होगी इस पर्सन से, ठीक है, कुछ क्लैरिटी मिलेगी, लेकिन अभी टाइम लग सकता है थोड़ा सा, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे स्लीप मोड। अच्छा, कुछ के लिए हो सकता है इट्स अबाउट कुछ लाइक बच्चे हैं, यू नो, किड्स आर ऑल्सो इन्वॉल्व, फैमिली, या हो सकता है ये ऑलरेडी शादीशुदा है ये पर्सन, या ऐसे किसी सिचुएशन में है, ठीक है, बट यू विल हियर फ्रॉम देम, ओके, लाइक हो सकता है कि आप लोगों की बात हो। सो सबकी अपनी अपनी स्टोरी है, एवरीबडी हैज देयर ओन स्टोरी। कोई सिंगल है जो सुन रहा है, कोई यू नो लाइक मैरिड है जो सुन रहा है, कोई किसी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में है, तो सबके लिए ऑल इन ऑल यही है कि वेट फॉर अ टाइम। आई थिंक यस, यू नो, बात होगी, बट यस राइट नाउ मुझे ऐसा लगता है कोई मैन्यूपुलेट कर रहा है, कोई चीट कर रहा है, या हो सकता है कि कोई किसी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन के थ्रू निकल रहा है, स्पेशली आपके पास ना, ओके, तो ये हमें एनर्जी दिखाई दे रही है। चलिए अब हम बात करेंगे करियर वाइज, ये जो वीक है आप लोगों के लिए जेमिनी कैसा रहेगा। ओके, ब्यूटीफुल एनर्जी, एम्प्रेस कार्ड, एक्सपेंशन, ग्रोथ बहुत बढ़िया दिखाई दे रहा है, ठीक है। सो इट्स अबाउट पार्टिसिपेशन, इट्स अबाउट गुड, यू आर गोइंग टू बी बिजी, बहुत बिजी रहने वाले हैं, कंटेंट रहने वाले हैं, काम आपका बहुत अच्छा है, बिजी। एंड पहला ही कार्ड एम्प्रेस का आया, इसका मतलब गुड, इंजॉइंग फ्रूट्स ऑफ योर लेबर, जो आपने मेहनत किया, हार्डवर्क किया है, अब फ्रूट्स का टाइम है, तो वो वाली एनर्जी हमें दिखाई दे रही है जेमिनी आपके लिए। एंड देन वी आर गेटिंग लाइक एक्सपेंशन, मूविंग फॉरवर्ड, फोर ऑफ वॉन्ट, इसका मतलब ये है कि यू नो लाइक गुड एनर्जी, ओके, रिकवरिंग, रिकवरी फ्रॉम समथिंग, और कुछ चीज़ें हो सकती हैं जो आपको एट साइड मे बी आप कुछ बनाना चाहते हैं, कुछ चाहते हैं, ठीक है, लाइक
एनीथिंग लाइक किसी चीज के लिए, किस पर्पज के लिए आप वर्क कर रहे हैं एंड मे बी वो थोड़ा सा डिले हो रहा है, बट इट्स ओके. आई थिंक कीप ऑन वर्किंग, मैं यही बोलूंगी, कीप ऑन मूविंग फॉरवर्ड. यही चीज हमें दिखाई दी. 10 of Cups. सो 10 of Cups दो नहीं है. ओके, 10 of Cups का मतलब है कि यू नो लाइक जो रास्ता आप ढूंढ रहे हैं, जो मंजिल, सो बस बढ़ते जाइए, कदम से कदम बढ़ाते जाइए. तो क्या गाइडेंस है? पार्टिसिपेट. ब्यूटिफुल कार्ड्स. टेम्परेंस. टेम्परेंस एंजल्स आपको कहते हैं बैलेंस, अपने आप को बैलेंस बस बना के रखिए, अपने पर्पस के साथ अपने आप को अलाइन करके चलिए. ठीक है, पेशेंस इज द की, कि पेशेंस रखना बहुत जरूरी है. ठीक है, और कई लोग बोलते हैं ना कि पेशेंस हम कितनी रखें, ये एक डिवाइन प्रोसेस है. ठीक है, डिवाइन टाइमिंग, यू कांट डिसाइड. ठीक है, तो पेशेंस रखिए, कीप ऑन मूविंग फॉरवर्ड, और जैसे जैसे भगवान आपको जहां जहां लेके जा रहे हैं चलते जाइए, बस अपना काम करते जाइए. ठीक है, एंड बस डिवाइन टाइमिंग का तार आ गया. देखिए भगवान जी यही कह रहे हैं कि डिवाइन टाइमिंग का वेट कीजिए. ठीक है, वो हो सकता है ज्यादा दूर नहीं है, दैट्स व्हाई इट्स शोइंग अप. सो दिस इज योर रीडिंग. आई होप आपको पसंद आई हो, और हमें कमेंट करके बताइए कैसी लगी. मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम. टेक केयर.